तो ये है गाइस आईफोन 13 की मेम्ब्रेन जो पिछले हिस्से को और साइड वाले को कवर करती है। आज इसको हम चढ़ा के दिखाएंगे इसका प्रॉपर चढ़ाने का तरीका क्या है, जिससे बबल वगैरह ना आए। पहले तो आप इसका लोगो वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इसकी, इनको यहाँ से उतार दें। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जैसे स्पीकर वगैरह, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी हमने इसकी उतार दी है। और फिर अपने को जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसको उतार देना है। ये अपना अब इस पर से एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है इसको रिमूव कर लें, ताकि ये बीच में दिक्कत ना करें। ठीक है, नीचे से भी इसको हटा लेते हैं। अब इसको बिल्कुल अलाइन करके एप्पल लोगो पे अलाइन कर लीजिए, और जो नीचे इसका बॉटम जो जितने भी कॉर्नर हैं उन पे इसको अच्छे से अलाइन कर लीजिए, ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। थोड़ा सा भी देख सकते हैं, जैसे अपन ने इसको लोगो पे कर दिया सही से अलाइन, और नीचे आप देख लें जो जैक है अपना, वो जैक सही जगह है या नहीं है इसका। जैसे अब थोड़ा सा साइड में लग रहा है हमें, इसको हल्का सा साइड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये परफेक्ट इसके ऊपर रखा गया है। अब इसको ऊपर उठा के सेकंड वाले पार्ट को उठा लेना है इसको यहाँ से, और इस पर वाइपर से सिंपली चढ़ा देना। इस पर कोई एक्स्ट्रा बबल वगैरह नहीं आता। अब इसको ऐसे ही सेम टू सेम इसको ऊपर उठाना है, और फर्स्ट वाले पार्ट को उतारना है, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, जब कोई बबल वगैरह आया उस पीछे वाले पार्ट पर वो रिमूव हो जाए, और इसको ऐसे कर लीजिए। अब सिंपली इसकी जो थर्ड लेयर है उसको हम उतार देंगे। इसकी थर्ड लेयर उतर गई है, देख सकते हैं फिनिशिंग बिल्कुल अल्ट्रा परफेक्ट फिनिशिंग, कोई सिंगल बबल भी इस पर नहीं है, पूरा आप देख सकते हैं इसको। इसको वाइपर की हेल्प से आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। ये मैट में है मेम्ब्रेन अपनी, एक अल्ट्रा क्लियर भी आती है, बट मैट में ना कोई स्क्रैच नहीं दिखता, और हैंडसेट बिल्कुल स्लिपी स्लिपी भी फील नहीं होता, देख सकते हैं आप। एक सेकंड इसको हम अब साइड से दबाएंगे, ये पार्ट लेते हैं, नया फ़ोन है ये। एज यू कैन सी कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है। अब इसको सिंपली हाथ से साइड में मोड़ देंगे अपन इसको, ये देख सकते हैं आप, उसको बड़े ही आराम से। वैसे 1% भी बबल आने का कोई चांस होता नहीं है। वैसे भी आईफोन 13 है, आईफोन 11 है, XR है, जिनकी ग्लास बैक होती है उन पे मेम्ब्रेन अच्छी ही चढ़ती है। जैसे 12 प्रो मैक्स हो गया, 13 प्रो मैक्स हो गया, जो पीछे से मैट ग्लास में होते हैं ना, उन पे तो शायद एक आधी बार निशान आ जाता है, बट वो भी एक आध दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बट जो भी प्योर ग्लास के हैंडसेट हैं, जैसे 13 है, 12 है, 11 है, XR है, इन पे फिनिशिंग जबरदस्त आती है। अगर आप हीट अगर थोड़ा बहुत इस पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी देखिए, कहीं पे भी आपको ढूंढने से भी इस पर एक सिंगल बबल नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट ये मेम्ब्रेन चढ़ गई है इस पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अरे का गार्ड और दे रहे।